हेलो गाइस, कुट्टू से रहें सावधान। बहुत ही बीमारी चल रही है कुट्टू में, जिसके कारण हॉस्पिटल पूरे भरे पड़े हैं मरीजों से। ऐसा ही एक घटना हमारे घर में हुई है। मेरे ही घर के 3 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं कल से, और 2 आईसीयू में, 1 जनरल में हैं। हुआ ये कि उन्होंने रात को कुट्टू खाया, और कुट्टू खाने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनसे चला तक नहीं जा रहा था। हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए थे, और उल्टी, सिर में दर्द, इतना कुछ हो रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा तो एकदम आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि बहुत हद से ज़्यादा, और अब भी वो हॉस्पिटल में ही हैं, और क्या नाम है, आईसीयू में ही हैं अभी वो। और ये बात ये है जो वो मेरी भाभी और मेरी बहन की है। मेरी बहन और मेरी भाभी दोनों हॉस्पिटल में ही हैं, और मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरे यहाँ जोत रखी हुई है, माता रानी आई हुई हैं, अखंड जोत रखी हुई है, इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ। पर वहाँ सब हैं हॉस्पिटल में, और मेरी मम्मी जो है उनकी भी हालत ख़राब है। वो जनरल में है, पर वो थोड़ा नॉर्मल है। पर भाभी की और बहन की मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुट्टू खाया था, इसलिए उनकी हालत इसलिए ख़राब हो गई थी। तो गाइस, कुछ भी हो, कुट्टू या तो अपने घर में ला के पीस के खाएं, वरना कुट्टू मत खाएं बिल्कुल भी। और कुट्टू से रहे सावधान, क्योंकि कुट्टू की वजह से हर आधे घंटे में वहाँ पेशेंट आ रहा है। हर आधे घंटे में एक पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, और पूरा हॉस्पिटल बस इसी चीज़ से भरा हुआ है कि सिर्फ कुट्टू खाने से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और इसके लक्षण जो हैं वो ये हैं कि हाथ पैर अकड़े हैं, और बेचैनी हो रही है बहुत, और सिर में दर्द, उल्टी, उपकाई, बहुत बेचैनी हो रही है। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि नवरातों में कुट्टू ना खाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, और खाएं तो अपने ला के पिसवा के जब खाएं, वरना दुकान से ख़रीद के ना खाएं। क्योंकि हमने जिस दुकान से वो ख़रीदा था ना, वो दुकान वाला अपनी दुकान में ताला लगा के फरार हो चुका है। और ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे घर की बात है, ये बात हमारे पूरे जो मोहल्ला है उधर का, कहते हैं एक मोहल्ला हो गया, वो जो जो उस दुकान पे से वो लाए थे वो सारे ही बीमार पड़े हैं। कोई कोई से हॉस्पिटल में, कोई कोई से हॉस्पिटल में, वो सारे ही बीमार पड़े हुए हैं। और ये देख लिया, मतलब कि पूरे पूरे परिवार हॉस्पिटल में है, पूरा परिवार ही हॉस्पिटल में। ऐसे ऐसे भी हैं जैसे कि मेरे परिवार से 3 जने हैं, और एक परिवार है उसके साथ 5-6 जने हैं, वो पूरे ही हॉस्पिटल में एडमिट है। और दुकान वाला नहीं है, दुकान वाला फरार हो चुका है। तो प्लीज़ सावधान रहें।